हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा रियल एस्टेट में। क्या आप बेस्ट दिल्ली के अंदर में अपने सपनों का घर देख रहे हैं? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 BHK फ्लैट। बहुत ही अच्छा फ्लैट बनाया, मेलो जैसा फ्लैट बना के दिया है आपके लिए। बहुत ही अच्छा इसका एलिगेशन मिलता है, फ्रंट का फ्लोर है, गाड़ी पार्किंग मिलती है, लिफ्ट मिलती है और 20 फुट का रोड मिलता है। अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ्राइडे मार्केट लगती है। मार्केट के अंदर में ये फ्लैट बनाया गया है, बहुत ही अच्छा फ्लैट है। देरी ना करें, जल्दी से जल्दी अपना सेट बुक कराएं। आइए दिखाते हैं फ्लैट आपके लिए हमने कैसा बनाया है। तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है हमारा लिविंग एरिया और लिविंग एरिया के साथ में आप देख रहे होंगे ये है हमारा एंट्री डोर। यहाँ पे भी आपको माइका लगी हुई मिलती है, सुंदर सा लॉक मिलता है, जबकि ब्रांडेड लॉक लगा रखा है। ये आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको पूरा लिविंग एरिया मिल जाता है, अच्छा स्पेस मिल जाता है। एल कॉर्नर का हमने सोफा यहाँ पे लगा रखा है, सेंटर टेबल लगा रखी है। अगर मैं बैक साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने ग्लास यूज किया है, लाइटें लगा रखी है, सुंदर सा यहाँ पे डिजाइन बना रखा है। अगर मैं बात करता हूँ इसके एलईडी की तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने की तरफ एलईडी पैनल लगा रखा है, दोनों तरफ में शोकेस बना रखे हैं, स्पेस अच्छा मिल जाता है क्योंकि आपको 3 BHK फ्लैट चाहिए। और इसी के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल मतलब डाइनिंग टेबल यहाँ पे आपके लिए लगा रखी है, 6 सीटर इसमें लगा रखा है, बहुत ही अच्छा स्पेस के साथ में आपको 3 BHK फ्लैट देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट हमने लगा रखा है, आप एसी यहाँ पे लाएंगे तो फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होने वाली नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इसके सीलिंग की, तो सीलिंग के अंदर में आप देख रहे होंगे पीओपी का बहुत ही अच्छा सुंदर सा हमने डिजाइन बनाया है, लाइटों का काम बहुत अच्छा किया है, 2 फैन लगा रखे हैं, झूमर इसमें अभी हमने लगाने वाले हैं दोस्तों। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम, 3 BHK फ्लैट है। आइए दिखाते हैं इसका कॉमन बाथरूम। तो दोस्तों ये हमारा कॉमन बाथरूम, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोल टू बोल इसके अंदर में टाइल लगा रखी है, सेफ्टी का काम अभी नहीं किया है, इसके अंदर में वेंटिलेशन भी मिल जाता है। पीछे की साइड में आपको विंडो लगी हुई मिलती है, पीछे साफट बनी हुई है, उसमें अपना एग्जॉस्ट फैन फिट कर सकते हैं। काफी बड़े स्पेस के साथ में आपको कॉमन बाथरूम मिल जाता है दोस्तों। तो ये था हमारा कॉमन बाथरूम। तो दोस्तों डाइनिंग हॉल के सामने जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिलता है आपको बिग साइज का किचन, काफी बड़ा किचन मिल जाता है। अगर स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अपना फ्रिज लगा सकते हैं, फ्रिज का स्पेस हमने बना रखा है। इधर की साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे व्हाइट कलर का हमने पत्थर यूज किया है, इसके यहाँ पे आपको मॉडर्न किचन मिल जाती है, शोकेस बने हुए मिलते हैं, बहुत ही सुंदर शोकेस बना रखे इसके अंदर। यहाँ पे हम आपको चिमनी लगा के देंगे, इस चिमनी का स्पेस हमने इसके अंदर छोड़ रखा है। इधर भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, रैक बना रखे हैं, व्हाइट कलर की हमने माइका यूज किया है इसके अंदर। इधर की साइड में देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको शोकेस लगे हुए मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दोनों साइडों में आपको गर्म और ठंडा पानी इसके अंदर में यूज कर सकते हैं, 2 वॉश बेसिन हमने इसके अंदर लगा रखे हैं। यहाँ की साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको पेंट्री बनी हुई मिल जाती है, सुंदर सी पेंट्री बना के बहुत ही अच्छा डिजाइन बना रखा है इसके साथ में। ऊपर अगर हम बात करते हैं इसकी सीलिंग की, तो सीलिंग के अंदर में भी हमने 4 लाइट लगाई है और सुंदर सा डिजाइन बना रखा है, पीओपी से बहुत सुंदर डिजाइन इसके अंदर में बना हुआ मिल जाता है दोस्तों। ये था हमारा किचन, कैसा लगा आपको? आइए दिखाते हैं आपको फर्स्ट बेडरूम। तो दोस्तों आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में आप देख रहे होंगे फर्श के अंदर में व्हाइट कलर की टाइल यूज की है हमने। इधर की साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोल्टिंग यूज कर रखी है, ग्लास यूज किया हुआ है, बहुत सुंदर लुक दे रहा है। बेड का डिजाइन भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम डिजाइन की हमने इसके अंदर में कोल्टिंग लगा रखी है। इधर की साइड में आपको विंडो लगी हुई मिल जाती है, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है, दोनों साइडों में देख रहे होंगे काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है। और ऊपर की तरफ में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सीलिंग के अंदर में एक फैन लगा हुआ मिलता है, सुंदर सा डिजाइन मिल जाता है, बहुत ही अच्छा स्पेस के साथ में आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है दोस्तों। इसमें आपको एसी का पॉइंट लगा रखा है, एसी की फिटिंग लगा रखी है, पूरी की पूरी आपको कुछ भी करने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, आइए दिखाते हैं इसका सेकंड बेडरूम। दोस्तों आ चुके हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर में। सेकंड बेडरूम में भी देख रहे होंगे सेम कलर की आपको टाइल मिलती है, फर्श के अंदर में सेम टाइल लगा रखी है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके बेड की, तो बेड इसमें लगा हुआ मिलता है, 6x6 का बेड मिलता है। क्विल्टिंग इसमें हमने लगा रखी है। यहाँ पे हमने स्वीट का सुंदर सा डिजाइन बना रखा है दोनों साइडों में, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे स्पेस के साथ में अलवेरा बनी हुई मिलती है, दोनों साइडों में अलवेरा मिलती है। आप देख रहे होंगे दोनों साइडों में पॉइंट मिलते हैं, चार्जिंग के पॉइंट इसके अंदर में लगा रखे हैं। दोस्तों इधर की साइड में देखते हैं तो आपको विंडो लगी हुई मिलती है, यहाँ पे अपना एसी फिट कर सकते हैं। और ये दो बेडरूम आपको सेकेंड और थर्ड बेडरूम दोनों बालकोनी से कनेक्ट है, दोनों बालकोनी से आप जा सकते हो। दोनों बेडरूमों के अंदर में आपको गेट लगे हुए मिलते हैं। अगर इधर सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको LED पैनल यूज किया है हमने, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, सुंदर सा आप अपना अपना TV लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट भी हमने लगा रखा है दोस्तों, कोई भी आपको अलग से फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करते हैं इसके सीलिंग की, तो सीलिंग का डिजाइन देख रहे होंगे काफी सुंदर डिजाइन बना रखा है। लाइटें आप देख रहे होंगे, लाइटों का काम भी हमने बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि फ्लैट 3 BHK है, बहुत ही अच्छा है। मेट्रो की अगर बात करता हूं तो 800 मीटर की दूरी पर है ये फ्लैट, मेट्रो से, बेस्ट मेट्रो से 800 मीटर की दूरी पर है, बहुत ही अच्छा फ्लैट है दोस्तों, मिस ना करें। तो आइए दिखाते हैं इसकी बालकोनी। दोस्तों आ चुके हैं अपनी बालकोनी के अंदर में, बालकोनी का स्पेस देख रहे होंगे 3 फुट बाई 12 फुट की ये बालकोनी हमने बनाई है आपके लिए। अगर मैं बॉल की बात करता हूं तो सेम कलर की इसके अंदर में टाइल लगा रखी है, सुंदर सा डिजाइन आपको दिख रहा होगा, लुक बहुत अच्छा दे रही है। इधर की साइड में देखते हो तो यहां से भी आप अपने थर्ड बेडरूम के अंदर जा सकते हैं, टैप लगा हुआ मिलता है और सुंदर सा डिजाइन मिलता है। फ्रंट का आपको स्टील की ग्रिल मिल जाती है, स्पेस अच्छा मिल जाता है, फ्रंट का फ्लोर मिल जाता है, रेट भी काफी कम रखा गया है। आइए दिखाते हैं इसका थर्ड बेडरूम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आ चुके हैं थर्ड बेडरूम में, क्योंकि बालकोनी से कनेक्ट है, दोनों बेडरूम आपको बालकोनी से कनेक्ट है, दोनों के अंदर में गेट लगा रखे हैं, अपने बेडरूमों के अंदर जा सकते हैं इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फर्श के अंदर में आपको सेम कलर की टाइल यूज की गई है। और इधर की साइड में अगर देख रहे हैं तो आपको बेड लगा हुआ मिल जाता है, क्विल्टिंग लगी हुई मिल जाती है, 6x6 का बेड मिल जाता है। पीछे की तरफ में सीट लगा रखी है, सुंदर सा डिजाइन बना रखा है, यहाँ पे भी आपको सीट लगी हुई मिलती है, लुक अच्छा दे रही है। इधर की साइड में आपको अलवेरा यूज की गई है, फुल साइज की आपको अलवेरा मिल जाती है। इधर की साइड अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको LED पैनल मिल जाता है, LED पैनल का स्पेस भी देख रहे होंगे काफी बड़ा, TV इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। नीचे भी आपको शोकेस बने हुए मिल जाते हैं और अच्छा स्पेस मिल जाता है थर्ड बेडरूम के अंदर भी। अगर बात करते हैं इसके सीलिंग की, तो सीलिंग के अंदर में हर बेडरूम के अंदर में मैंने इसके अंदर डिजाइन चेंज किया है POP से। आप देख रहे होंगे इस बेडरूम के अंदर में हमने डिजाइन चेंज कर रखा है, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम के अंदर में अगर बाथरूम नहीं है तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्पेस आप देख रहे होंगे इसमें मैंने ब्लैक कलर की टाइल यूज की है, ऊपर से आपको शावर लगा हुआ मिलेगा, सारा काम आपको सेफ्टी का किया हुआ मिलेगा दोस्तों। काफी बड़े स्पेस के साथ में आपको अटैच बाथरूम भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड बेडरूम। तो दोस्तों ये था हमारा 3 BHK फ्लैट, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। कैसा लगा आपको ये फ्लैट? मेट्रो से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है, फैसिलिटी सारी मिल जाती है। रोड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 20 फुट का रोड मिल जाता है। अगर बात करते हैं इसके पार्किंग की, तो पार्किंग गाड़ी पार्किंग मिल जाती है, लिफ्ट मिल जाती है, मेट्रो से 800 मीटर की दूरी पे मिल जाता है। फ्लैट आपने देख ही रखा है, बहुत ही सुंदर आपको लिए फ्लैट बनाया है, मेहनत काफी की है, क्योंकि आपको अच्छा फ्लैट चाहिए, मैलो जैसा फ्लैट चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा 3 BHK फ्लैट, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।